नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि दूसरी कोविड की लहर के जो रोगी हैं, कोरोना रोगी बहुत ही भारी संख्या में प्रत्येक जिले के अंदर आ रहे हैं। जो गाइडलाइन राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है वह 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की अवधि के लिए जारी की गई है। इसके मुख्य मुख्य जो अंश है जो प्रतिबंध है सरकार ने लगाए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, आपको जागरूक करना चाहेंगे, ताकि आप जो है उन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार को चलाएं। चाहे नौकरी पेशा है, चाहे दुकानदार है, मजदूर है, किसान है, सबको इन निर्देशों की पालना करने के लिए आगे आना होगा। आपको बताना चाहेंगे कि समस्त राज्य में शाम को 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी बाजार, परिसर, वेबसाइट रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार तथा वेबसाइट प्रतिष्ठान जो है वो 5:30 बजे बंद करने होंगे, ताकि उसमें लगा हुआ स्टाफ है ना व्यक्ति शाम को 6 बजे तक अपने घर पर अवश्य पहुँच सके। आप नोट कर जाएंगे कि जितने भी राजकीय कार्यालय हैं कोविड मैनेजमेंट से संबंधित सभी कार्यालय और बार रूम कंट्रोल रूम को छोड़कर सभी 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। यह भी सबसे बड़ी बात है कि राजकीय जो कार्यालय हैं वो 4 बजे शाम को बंद हो जाएंगे। समस्त निजी कार्यालय प्रतिष्ठानों को परामर्श भी दिया गया है कि कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह भी अपने कार्यालयों को समय अनुरूप परिवर्तित कर लेंगे। यह गाइडलाइन जो कल जारी की गई है और सरकार की मंशा है कि इसमें कोरोना रोगियों को बचाने के लिए कोरोना रोगी और बहुत मुश्किल है कि सब मिलित तरीके से व्यवस्था संचालित हो सके। हमें बहुत ही खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस प्रदेश में कम से कम समय पर सहयोग अधिकार समझते हैं और एक संतुलित तरीके से समाज के ऊपर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज के अवसर पर बहुत सारे जो पुरस्कार है वो भी घोषित किए गए हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो वह ऐसे प्रतीक हैं। बाबा साहब को किसी वर्ग विशेष से कोई भी द्वेष नहीं था। का सख्ती से पालना सरकार करवाएगी और लोगों को भी करनी होगी। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि समस्त प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, संस्कृति एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों की अनुमति नहीं होगी। जैसा कि प्राय देखने में आता है कि राजनीतिक पार्टियों हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो अपनी मांगों को मनवाने के लिए लंबे चौड़े जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, इन सब पर प्रतिबंध लग गया है। अब देखने वाली बात यही है कि क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसकी पालना करेंगी या नहीं करेंगी, यह भी देखने वाली बात होगी। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान जो है इस प्रकार के बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा जैसे निर्देश जारी किए गए हैं 16 अप्रैल से लागू होंगे और इन निर्देशों की पालना जो नहीं करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को, SDM को, तहसीलदार को, पुलिस अधिकारियों को, नगर पालिकाओं को और विकास अधिकारियों को पावर दी गई है कि जो इसकी पालना नहीं करे उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। अब विचारणीय बिंदु है, सोचने की बात है कि सरकार के नियुक्त किए गए अधिकारी क्या इन निर्देशों की पालना 100% करवा सकेंगे या फिर राजनीतिक पार्टियों के दबाव में रहेंगे। होता यही है कि राजनीतिक पार्टियों के दबाव को देखते हुए अधिकारी भी इन निर्देशों की सख्ती से पालना करवाते नजर नहीं आते। खासकर हनुमानगढ़ की बात करें तो इसी प्रकार की बातें समय समय पर सामने भी आई हैं। मीडिया के द्वारा सूचना देने के बाद भी अधिकारी मौन रहते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते हैं। पता नहीं इन पर राजनीतिक दबाव रहता है, पता नहीं इन पर क्या बात है कि इस प्रकार निर्देशों की अनुपालना
कराने में आखिरकार फिर फेल क्यों साबित होते हैं अधिकारी, यह भी सोचने की बात है। अब जो नए निर्देश जारी किए गए हैं, देखते हैं इनका अधिकारी कितनी सख्ती से पालन करवाते हुए हनुमानगढ़ जिले को कोरोना रोगियों से बचाने का प्रयास करते हैं, कोरोना रोग को फैलने से रोक पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हनुमानगढ़ से गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।